हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। कैसे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए और साइकेट्रिक से। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है, सबसे पहले इधर सीरियल नंबर लिखेंगे, कंपोनेंट और डिस्क्रिप्शन है इधर, आंसर जो पेशेंट देगा, पेशेंट स्कोर आपको देना, अगर वो आंसर देगा तो आपको यहाँ 1-1 स्कोर देना, अगर नहीं देगा तो आपको 0 स्कोर देना। ये पॉइंट्स हैं सबके सामने, 1-2, 1-1 सारे पॉइंट्स के आगे स्कोर है, 5 स्कोर है पूरा, उसमें से आपको इसमें पेशेंट को स्कोर देना है। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन चेक करेंगे पेशेंट का। सबसे पहले उसे पूछेंगे व्हाट ईयर इज दिस, उसे पूछेगा कौन सा साल है। अगर वो बताता है तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं बताता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट इज नॉट आंसर्ड, अगर नहीं आंसर देगा तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स देना है, अगर दे रहा है तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स देना। व्हाट सीजन, उसे पूछना कौन सा सीजन है, अगर वो बताता है तो लिखना है, अगर नहीं बताता है तो आपको लिखना है पेशेंट इज नॉट आंसर्ड, या फिर अगर बताता है तो डायरेक्ट लिखना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पेशेंट सेज सी इज दिस इज समर। उसके बाद पेशेंट ने दिया तो यहाँ पे हमने उसको 1 स्कोर दिया। उसके बाद उससे पूछेंगे व्हाट मंथ, कौन सा मंथ है, अगर वो बताता है तो लिखना है, वरना डायरेक्ट लिखे पेशेंट इज डोंट नो। उसके बाद पूछेंगे व्हाट डे, कौन सा डे है, अगर वो बताता है तो लिखेंगे, वरना यहाँ पे देंगे पेशेंट इज डोंट नो, यहाँ पे 0 मार्क्स दे देंगे उसको। उसके बाद उससे पूछेंगे व्हाट डेट, अगर वो बताता है तो लिखना है, अगर वो नहीं बताता है तो यहाँ पे लिखना है पेशेंट इज नॉट रिकॉल, अगर रिकॉल कर लेता है तो यहाँ पे लिखना है पेशेंट जो भी डेट बताएगा, अगर वो सही आंसर देता है तो आपको 1-1 स्कोर देना है, अगर वो आंसर नहीं देता है तो आपको 0-0 देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन, उससे पूछेंगे वेयर आर वी नाउ, उससे पूछेंगे आप इस टाइम पे कौन सी जगह पे, अगर वो बताता है तो लिखना है कि उसने बताया है वो जहाँ पे है, अगर वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट है तो लिखना हॉस्पिटल में प्रेजेंट, अगर नहीं देता है तो आपको लिखना है पेशेंट इज नॉट आंसर्ड। व्हाट स्टेट आर वी इन, उससे पूछना है आप कौन से स्टेट में, अगर वो बताता है तो लिखना है, अगर नहीं बताता है तो लिखना है पेशेंट इज नॉट आंसर्ड, या फिर नॉट क्लियर, या फिर कन्फ्यूज जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको 0 मार्क्स देना है। व्हाट कंट्री इज दिस, उससे पूछा कौन सी कंट्री है, अगर वो बताता है तो लिखना है, ना आपको लिखना है कि पेशेंट इज नॉट आंसर्ड। व्हाट सिटी पूछना है उससे, व्हाट टाउन इज दिस, अगर वो बताता है तो लिखना है, अगर नहीं बताता है तो पेशेंट इज नॉट आंसर्ड, और आपको 0 मार्क्स दे देना, अगर बताता है तो 1 मार्क्स देना है। व्हाट उसे पूछना है व्हाट फ्लोर वी आर वी ऑन, उसे पूछना कौन से फ्लोर पर, अगर वो बताता है तो लिखना है, नहीं बताता तो आपको लिखना है नॉट कन्फर्म, 0 दे देंगे। व्हाट और उसे पूछना व्हाट रूम वी इन, उसे पूछना आप कौन से रूम में, अगर वो बताता है तो लिखना है, अगर नहीं बताता है तो आपको लिखना पेशेंट इज नॉट आंसर्ड, उसको 0 मार्क्स दे देंगे। जो पेशेंट जिसका आंसर देता है उसके आगे 1-1 देना है, जो नहीं देता उसके आगे 0 देना। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन पैटर्न कैसा है। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू से 3 वर्ड्स, हम लोग क्या करेंगे उसको 3 वर्ड्स बोलेंगे, रिपीट द आफ्टर आई हैव सेड ऑल 3। उसके बाद हम लोग उससे बोलेंगे हम आपसे 3 वर्ड्स बोलने जा रहे हैं, आपको ये 3 वर्ड्स आपको रिपीट करना हमारे बोलने के बाद, जैसे कि एप्पल टेबल और पेन। तो यहाँ पे अगर वो सारे वर्ड्स का आंसर दे रहा है, जैसे कि हमने लिखा है आई गिवन 3 वर्ड्स एप्पल टेबल पेन, बट पेशेंट इज गिवन ओनली 2 आंसर्स, अगर वो सारे आंसर्स का देता है तो आपको उसको यहाँ पे 3 मार्क्स दे देना, अगर आप वो सिर्फ एक बताता है टेबल रिकॉल कर पाता है, फिर पेन रिकॉल कर पाता है, अगर तीनों बताते 3 देना, 2 बताने तो 2 मार्क्स देना, अगर एक बताता है तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स देना। रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे एक रिकॉल आता है, यहाँ पे आप रिकॉल का भी हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अटेंशन एंड कैलकुलेशन देखेंगे, उसको स्पेल वर्ड देंगे, वर्ड एक वर्ड ले लेंगे, उसको हम लोग पहले फॉरवर्ड लिखेंगे फिर बैकवर्ड लिखेंगे, जैसे ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अगर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख लेता है तो उसको हम फुल मार्क्स 5-5 मार्क्स दे देंगे, 2.5-2.5 नंबर दे देंगे, ये दोनों अलग अलग है तो दोनों में 2.5-2.5 नंबर दे देंगे उसको 5 मार्क्स, अगर नहीं देता है तो हम यहाँ पे बोल देंगे पेशेंट इज नॉट आंसर्ड। उसके बाद फर्स्ट रिकॉल देखेंगे हम लोग, जो हमने उससे पहले 3 क्वेश्चन पूछे, व्हाट वी आर द दोज वर्ड्स आई आस्क यू टू रिमेंबर नो हिंट्स, उसके बाद हम लोग उसके वो क्वेश्चन पूछेंगे जो हम लोग रजिस्ट्रेशन में पूछे थे, उसको हम लेकिन कोई भी हिंट्स नहीं देंगे। अगर वो तीनों आंसर दे देता है जो हमने पूछे, जैसे एप्पल टेबल पेन हमने पीछे उसको पूछा, उसने तीनों आंसर दे दिए तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे, अगर उसने तीनों आंसर नहीं दिए, उसको रिकॉल नहीं हुआ, तो हम उसको 0 मार्क्स देंगे। उसके बाद नेमिंग करेंगे एनी आइटम एंड बॉडी पार्ट, उसको नेमिंग करेंगे, किसी आइटम्स या बॉडी पार्ट का नाम देंगे, जैसे पहले आइटम्स में जैसे ग्लास हो गया, बकेट्स या टेबल, अगर वो सारे आइटम्स के नाम बताता है तो उसको 1 मार्क्स दे, बॉडी पार्ट्स में आई ईयर नोज, अगर उससे बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछेंगे, अगर वो आंसर दे देता है, बोलता है ये आई है ईयर है नोज, तो उसको 1 मार्क्स देंगे, वरना नहीं बता पाता है तो उसको हम लोग 0 मार्क्स देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे रिपीटेशन करेंगे, आस्क द पर्सन टू रिपीट द फॉलोइंग नो इफ एंड और बट्स अलाउ
ओनली ट्रेल, उससे हम लोग आप पूछेंगे क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए उससे बोलेंगे नो, इफ्स एंड और बट्स, ये सारे वर्ड्स उससे बोलेंगे। अगर वो तीन ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा है नो इफ्स और बट्स तो उसको 1 मार्क्स देंगे, अगर नहीं रिपीट कर रहा है तो उसको हम 0 लेंगे। यहाँ लिखे पेशेंट इज नॉट रिपीटेड। उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट पॉइंट अ पेंसिल एंड आस्क द पर्सन टू नेम दिस ऑब्जेक्ट, उसको एक पेंसिल या पेन कुछ भी दिखाएंगे, उसे पूछेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर पेशेंट ने बता दिया कि ये पेंसिल है या पेन है तो आप उसको 1 मार्क्स देंगे, अगर नहीं बताते तो आपको यहाँ पे देंगे पेशेंट इज नॉट आंसर्ड। उसके बाद नेक्स्ट डू द सेम थिंग्स विद द रिस्ट वॉच, सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं, उसको रिस्ट वॉच दिखाते हैं, उसे पूछते हैं कि ये कलाई की घड़ी है, अगर वो बता देता है कि हाँ ये रिस्ट वॉच है तो आपको 1 है, अगर नहीं नहीं बताता तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स देना। उसके बाद 3 स्टेज कमांड करेंगे, सबसे पहले रीडिंग, रीडिंग में हम लोग कहेंगे राइट क्लोज योर आइज इन लार्ज लेटर्स एंड शो इट टू द पेशेंट। हम लोग क्या करेंगे, एक वाइट पेपर में लेंगे उसमें लिखेंगे क्लोज योर आइज, अगर वो पेशेंट क्लोज योर आइज पढ़ के अपनी आंखें बंद कर लेता है तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे, अगर वो नहीं क्लोज करता है तो हम उसको यहाँ पे 0 मार्क्स देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है Ask him to read the message and do what it say। उसके बाद हम लोग उससे मैसेज पूछेंगे कि बताओ हमने क्या लिखा था, अगर वो बताता है तो ठीक है, नहीं बताता तो हम लोग उसको 0 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद हम लोग उससे राइटिंग कुछ लिखवाएंगे, जैसे ask the individual to write a sentence of their choice on a blank piece of paper। The sentence must contain a subject and verb and must make sense। जो पेशेंट्स को हम राइट करने के लिए बोलेंगे, एक उसको पीस ब्लैंक पेपर दे देंगे, उसमें बोलेंगे आप कुछ भी सेंटेंस लिखो, जरूरी नहीं कि वो वर्ब, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई कंटेंट हो, कोई वर्ब हो सकता है, जरूरी नहीं उसका कोई सेंस हो, उससे हम लोग लिखने के लिए बोलेंगे, सेंस होना चाहिए। जैसे कि पेशेंट ने लिखा वहाँ पे का खा गा या फिर कुछ भी लिखा, कुछ भी उसने लिख दिया, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी उसने लिख दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसने जो भी लिखा और उसको 1 मार्क, अगर उसने कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ पे 0 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद हम लोग उसको ड्राइंग करने के लिए बोलेंगे, सो द पर्सन ए ड्राइंग ऑफ टू पेंटागॉन्स विच इन 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 इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ क्वाड्रेंगल। अब उसको क्या बोलेंगे, जो पेशेंट है उसको हम लोग पेंटागॉन्स बनाने के लिए बोलेंगे, ट्रेंगल्स बनाने के लिए बोलेंगे, अगर वो सही से बना देता है तो उसको 1 मार्क देंगे, उल्टा सीधा भी बनाता है अगर कोशिश भी करता है तब भी हम उसको 1 मार्क देंगे, अगर नहीं बना पाता है तो हम लोग उसको 0 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद जितना भी ऊपर से हम उसको लोग लेके आते हैं उसका स्कोर देखेंगे, जितना भी स्कोर होगा वो वहाँ पे लेंगे, हमारा स्कोर 26 था, टोटल स्कोर 30 होता है, और जो स्कोर होगा वो कितना होगा, हमारा जो है वो 26, आपका जितना आता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कोरिंग का हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे इसमें क्या होता है, 25 से 30 जो होता है वो नॉर्मल होता है, 18 to 24 जो होता है मॉडरेट एंड माइल्ड होता है, लेस देन 17 सब्सटेंशियल इम्पेयर्ड, अगर 17 से कम आ रहा है तो मतलब इम्पेयरमेंट है, उसको दिक्कत है। उसके बाद पेशेंट और टोटल, पेशेंट का टोटल स्कोर कितना आता है, जो ये स्कोर है वो पेशेंट का स्कोर और टोटल स्कोर 30 होता है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इंप्रेशन लिखेंगे, इंप्रेशन में जो 26 है, हमारा 26 आया था तो वो नॉर्मल में आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माय पेशेंट स्कोर 26 इस कम्स अंडर नॉर्मल, अगर आपका 18 और 24 के अंदर आया तो माइल्ड और मॉडरेट लिखेंगे, लेस देन आ रहा तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। तो बच्चों ये था मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।